प्रियंका गांधी पर बरसे भाजपा नेता कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा डॉक्टर कपिल खान के समर्थन में जारी किए गए एक लेटर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजू कालरा ने बयान देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने ऐसे व्यक्ति के लिए पत्र लिखा है जिसने एएमयू में सीएए के विरोध में देश विरोधी भाषणबाजी की थी और जिसे एसटीएफ मुंबई से पकड़ कर लाई थी। उनके द्वारा ऐसे लोगों के समर्थन में लेटर जारी करने से तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पिछले दिनों सीएए के विरोध में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की ही देन थे। वो प्रियंका गांधी वाड्रा के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस की मानसिकता ही देश विरोधी कार्यों में ज्यादा रहती है, चाहे वो राफेल का विरोध हो या धारा 370 या फिर राम मंदिर का हो। सोशल मीडिया के माध्यम से यह पत्र मेरे को भी सोशल मीडिया से मिला है और एक संवेदनशील पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के कारण मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पत्र पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूं। जैसा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा जी के द्वारा एक पत्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है, जिसमें वह एक ऐसे व्यक्ति की वकालत कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कह रही हैं। उसके लिए उन्होंने गोरखनाथ जी का एक चार पंक्तियां भी उसमें लिखी हैं और वह व्यक्ति डॉक्टर कफील वह व्यक्ति है जिसने अलीगढ़ के अंदर एएमयू यूनिवर्सिटी में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम किया था। सीए के विरोध में उसने भाषण दिया था, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया था, जहां संपूर्ण भारत और मुझे उसमें कहने में कोई शंका नहीं इस पत्र को देखने के बाद कि यह कांग्रेस का ही सुनियोजित एक षड्यंत्र होगा सीए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, क्योंकि जो सीए में जिसपे रासुका में उत्तर प्रदेश के अंदर इसको उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने बंबई से गिरफ्तार किया डॉक्टर कफील खान को, उसके लिए संवेदना प्रकट कर रही हैं प्रियंका वाड्रा जी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, और वह कह रही हैं कि इनके प्रति संवेदना दिखाते हुए इनकी मदद करी जाए, मुख्यमंत्री जी से कह रही हैं। तो मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जो पूरे भारत में सीए को लेकर विरोध हुआ, जहाँ सब लोग सीए के समर्थन में थे और वह किसी धर्म को नुकसान पहुँचाने वाला बिल नहीं था, वह नागरिकता संशोधन बिल उन प्रताड़ित लोगों के लिए था जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए थे और भारत में संरक्षण के लिए आए थे, उन लोगों की सेफ्टी के लिए था। उसका विरोध पूरे भारत में किया जा रहा था, चाहे वह जेएनयू में जाकर उनका समर्थन किया हो तो वह भी कांग्रेस के ही नेता थे, वह चाहे अलीगढ़ वह कश्मीर में अगर अलगाववाद का समर्थन करते हैं तो वह भी कांग्रेस के नेता हैं, और एएमयू के अंदर जिस व्यक्ति ने धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम किया जिसके कारण दंगा बढ़ा, ऐसे डॉक्टर कफील को बचाने के पक्ष में कांग्रेस की महासचिव का बयान निंदनीय है। मैं कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। जहां सारा देश इस समय राफेल के आने के कारण खुशी मना रहा है और वह भारत जो आत्मनिर्भर भारत है जो आज की तारीख में हर दृष्टि से मजबूत हो रहा है, उसको कांग्रेस धर्म के आधार पर और उन्मादी लोगों का समर्थन करके देश को बांटने का काम कर रही है।